ये है HFCL का POE पावर ओवर इथरनेट, ठीक है। कल एक साइट का एक POE फॉल्टी हो चुका था, तो आज इसे भेजा गया ऑफिस से। ये HFCL का AC POE है, कल हम लोगों ने टेस्ट किया था, इसमें POE फॉल्टी निकल गया था, POE में पावर ही नहीं आ रहा था। यह है इसका ग्लैंड, और अभी हमें इसे जहां इंस्टॉल करना है वो ऑफिस खुला ही नहीं है, तो 10-10:30 बजे करीब वो ऑफिस खुलेगा, फिर हम लोग जाकर के इसे इंस्टॉल करेंगे। वो जो दो ग्लैंड था वो इस जगह पे लगता है। चलिए मैं खोल कर दिखाता हूं इसका अंदर कैसा होता है। ये ऐसी POE है, 230 वोल्ट पर ही चलता है, तो साइड पे चलकर हम इसका कनेक्शन करते हैं। चलिए, बीच का जो लेन केबल है वो ऊपर से आ रहा है एंटीना से, और साइड का जो है ये कंपनी का राउटर में गया है। और मुझे देखना कि इसका जो राउटर है वो अब आया या नहीं। अब ये हमारा जो है इस केबल के जरिए अंदर गया है, और ये हमारा यहाँ आया है, ये है हमारा जियो का लेन। दिख रहा है लाइट आ चुका है, ये ब्लिंकिंग भी कर रहा है ब्लैक वाला। अब मैं चेक करा कर देखता हूँ यह आप आया है या नहीं। ग्लैंड भी हम लोगों ने लगा दिया है। इसमें अक्सर कन्फ्यूजन होता है, पहला वाला तो आपका है पावर का, ये केबल है पावर का, ये बीच वाला जो केबल है वो एंटीना में डायरेक्ट चला जाता है डाटा प्लस POE, और ये जो केबल है ये हमारा राउटर में जाता है, वो ये है, और यही राउटर में यहाँ सो कर रहा है। उम्मीद करते हैं हमारा अब आ गया है, एक बार चेक करा लेते हैं।
चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ HFCL एंटीना का कनेक्शन कैसा होता है, इसे इंस्टॉलेशन किस टाइप का होता है। ये है हमारा HFCL का एंटीना जो कि कनेक्टेड है। और इसे अलाइनमेंट किया जा रहा है। इसका अलाइनमेंट जो है रिक्वायर्ड सिग्नल लेवल RSL वो थोड़ा सा कम हो चुका है, तो हमें थोड़ा बढ़ाना है। ये काम भी काफी सावधानी पूर्वक करना पड़ता है क्योंकि बहुत क्रिटिकल जगह पर एंटीना को इंस्टॉल कर देता है ये वेंडर टीम। ये होता है अलाइनमेंट करना पड़ता है। इसका कनेक्शन दूर के किसी टावर से है, शायद आपको दिख रहा होगा, इनमें से कोई एक है। इसका कनेक्शन इस टावर से है और ये अलाइनमेंट का किया जा रहा है, सिग्नल लेवल को मिलाया जा रहा है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नट को ढीला करके अप डाउन या लेफ्ट राइट करके इसे मिलाना पड़ता है और फिर हल्का हल्का धीरे धीरे एंटीना को लेफ्ट राइट या अप डाउन करके सिग्नल लेवल को चेक किया जाता है। वो मैं लैपटॉप का स्क्रीन शॉट में शेयर कर दूंगा। एक्चुअली बहुत सारी प्राइवेसी का कंडीशन होता है ना, जिसके कारण से मैं डाटा शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, खासकर यूट्यूब में। तो अभी जस्ट हम लोगों ने काम खत्म कर दिया है और हमारा ये अलाइनमेंट हो चुका है। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।